गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। तो आज सुबह सुबह अर्जुन को हम स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है, क्योंकि इनके स्कूल में सोशल स्टडीज डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस का रोल प्ले कर रहा था, तो इसलिए ये वाला सुभाष चंद्र बोस जी का कॉस्ट्यूम पहन के गया था। तो बस सुबह सुबह जल्दी हो रही थी, तो बस उसको छोड़ने के लिए हम जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, चाहे कितना ही टाइम से निकल जाओ, यहाँ पे ट्रैफिक इतना मिलता है कि बच्चा टाइम से पहुँच ही नहीं पाता है। हम 7:35 के आसपास निकलते हैं और स्कूल का टाइम 7:50 का है, 10:10 टाइम मिल जाता है, लेकिन 7:50 से पहले पहले मुझे उसे पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि फिर इसे आगे की सीट नहीं मिलती है। तो भाई आज उनको कुछ समझा रही थी कि इसको स्पीच बोलनी थी कि कैसे कैसे बोलनी है, भूलना नहीं है, और अगर भूल भी जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहना है, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो भाई मिस्टेक्स भी पता नहीं चलती हैं। तो बस यही सब समझा रही थी, और यहाँ देखे क्या हाल हो रखा है ट्रैफिक का, रोज का यही है, पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। प्रॉब्लम इसलिए भी होती है, एक्चुअली दो स्कूल आमने सामने पड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स मोस्टली कार से ही छोड़ने आते हैं बच्चों को, वॉकिंग डिस्टेंस वाले भी, तो बस इस वजह से फिर बच्चे भी जा रहे होते हैं उधर से, जो रेगुलर जॉब वगैरह पे काम पे जाने वाले लोग हैं, क्योंकि सोसाइटी भी हैं तो उनका भी रहता है। तो बस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, मुझे तो यहाँ से उतर के पैदल जाना पड़ा था फिर आधे रास्ते। तो बस यहाँ पे क्योंकि मुझे पैदल उतर के जाना पड़ा था, तो मैं उतर गई थी, तो उसके पापा कार को वॉक घुमा के लेके आ रहे थे, तो मैं वहाँ पे उनका वेट कर रही थी। सो अर्जुन को स्कूल छोड़ने के बाद वॉक पे गई थी, वॉक पे आने के बाद से इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, कपड़े वॉश करने थे, दो तीन दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज बस वॉशिंग मशीन में वही पानी वगैरह भर रही थी मैं, और वॉशिंग मशीन मुझे अपने वॉशरूम में ही लाके लगानी पड़ती है, क्योंकि मेरी बालकनीज में स्पेस नहीं है, एक में स्पेस नहीं है, क्योंकि वहाँ प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए घर भी पूरा बिखरा पड़ा है, अभी सब झाड़ू लगी है, देखिए पूरा अनऑर्गेनाइज हो रखा है, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है। सुबह यही हाल होता है डेली का, और ये देखिए मौसम का हाल ये था, तो मौसम कुछ इस तरीके। इतना ज़्यादा कपड़े वपड़े थे धुलने थे, तो काफ़ी लेट हो गया था, उधर टाइम भी अर्जुन को लाने का भी हो रहा था, तो आज मैंने सोचा बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ खाने के लिए। तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने बहुत टाइम से छोले भटूरे नहीं खाए थे, तो यहाँ पे मैंने छोले भटूरे मंगवाए थे। तो मैं अपने फादर इन लॉ से पूछ रही थी कि क्या मैं लगा दूँ, क्योंकि हम लोग ही थे घर पे दोपहर के टाइम, तो दो ही प्लेट मंगाई थी, अर्जुन को मैं नहीं खिलाती, मैं उसके लिए कुछ घर पर ही बनाती, तो इसलिए नहीं मंगाए थे। तो बस यहाँ मैं छोले भटूरे निकाल रही थी, तो बस मैं वही लगा रही थी प्लेट में, और काफ़ी टाइम से खाए नहीं थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो 70 रुपीज़ की थी एवरग्रीन जो हमारे आसपास है वहाँ से मंगवाया था, तो 70 रुपीज़ में दो भटूरे थे और छोले थे, और उसके साथ में प्याज और एक बड़े बड़े से आलू की सब्जी थी। तो दो भटूरे खाने से ही काफ़ी, बल्कि मेरे को ना एक खाने से ही काफ़ी हैवी सा हो जाता है, पर ठीक है जब दो आए तो दो ही खा लेते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट्स लगा ली हैं, और बस पहली प्लेट मैं अपने फादर इन लोग को दे दूँगी खाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं खुद अपना खाने जाऊँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है सब कुछ, और टाइम भी अब ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास हो रहा था, और 2 बजे के आसपास मुझे अर्जुन को लेने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बिखर गया था, तो वो साफ़ कर रही थी कुछ, हाँ वो प्याज निकालनी थी, प्याज और आलू उसने एक ही में पैक करके दे दिए थे, तो मैं वो निकाल रही थी, और किचन ज़रा सा भी गंदा हो जाता तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर वो मैं निकाल रही थी एक बॉल में, तो अब मैं ये लगा के दे दूँगी, और इतनी तेज़ से भूख लग रही थी, इन्हें सामने देख के बंद कर रहा था, जल्दी खा जाओ, लगाने में भी बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था, साथ में किचन में थोड़ा सामान फैला हुआ था वो भी साथ के साथ सही कर रही थी। तो बस अब मैं थोड़ा सा प्याज और आलू का जो ये था वो थोड़ा सा इनकी प्लेट में रख रही थी, अपने पापा की प्लेट में, मतलब फादर इन लॉ की प्लेट में, तो
मतलब जल्दी काम करना था, क्योंकि दो एकदम से बच जाते हैं और फिर 2:10 पे छुट्टी होती है ना, तो लेट हो जाती है, तो फिर ये बोलता भी है कि मम्मा आप लेट क्यों आई हो, लेट क्यों आई हो। एक दिन तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी लिफ्ट के वेट करते करते, मुझे 2:10 यहाँ पे हो गए थे, मैं इतना भाग भाग के गई थी। होता ही है यार, इतने सारे तो काम हो जाते हैं, फिर ये भी करो वो भी करो। और अभी देखिए खाने लगाते लगाते मुझे हजारों काम याद आ गए, कभी कुछ निकालना है। हाँ ये मैं सुबह, मैंने सुबह नहीं कल रात मैंने चने मंगवाए थे, जो भुने वाले चने नहीं होते हैं वो मंगवाए थे, तो वो बाहर ही रखे हुए थे, तो वो मैंने सोचा चलो लगे हाथ उनको भी जो बॉक्स है उसके अंदर रख देती हूँ। तो साथ किचन में फैले हुए सारे सामान भी मैं सही कर रही थी, तो बस फाइनली अब खाने का काम कर रही थी मैं कि चलो अब खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं दोनों की, मेरे फादर इन लॉ की भी और मेरी भी, तो बस पहली प्लेट उनको देने ही जा रही थी कि वो खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। अब देख रहे हो आप लगाते लगाते भी हजारों काम मुझे याद आ जा रहे हैं, कितनी देर से प्लेट लगा रही हूँ लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई काम आ ही जाता है। और होता भी है यार घर के कामों में यही होता है, एक काम करते करते दूसरा काम भी कई बार याद आ जाता है, तो वो काम छोड़ के दूसरे काम में भी लग जाते हैं। तो बस यही होती है डेली की लाइफ में, यही सब चलता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही है, सबका यही हाल है। तो देखिए इतनी देर बाद फाइनली प्लेट रेडी होते होते हो गई है, तो यहाँ मैं उधर अपने फादर इन लॉ को दे आई हूँ और फिर उसके बाद मैं बैठ के खाऊंगी। तो बस यही है आज का, क्योंकि लेट हो गई थी तो सोचा बाहर से मंगा लेती हूँ, इतना टाइम लगेगा बनाने में, लेट हो जाऊंगी। तो बस अब तो यहाँ पे मैं अपने रूम में अपना खाना ले आई हूँ। अब गाइस प्लीज़ ये मत बोलिएगा आप लोग की बेड पे बैठ के क्यों खा रही है, मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है और मैं कहाँ बैठ के खाऊँ, फिर आप बताइए जब होगा डाइनिंग टेबल तो खा लेंगे, अभी मुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं बिल्कुल कॉर्नर पे आके ही खा रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने छोले भटूरे एंजॉय करने लग गई हूँ, लेकिन एक बस क्या ही बोलूँ, खाने ही बैठी थी तो कोई गेट पे आ गया था, फिर मुझे जाना पड़ा था बीच में। और छोले भटूरे वाकई काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, इनके छोले तो बहुत ही यम्मी थे, और उसके साथ जो उन्होंने आलू की जो सब्ज़ी दी थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, तो मुझे तो मज़ा आ गया था। आज का लंच मेरा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो गया था। हाँ आप लोगों में से किस किस को छोले भटूरे पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी देखिए कोई आ गया था शायद, हाँ नहीं अभी नहीं आया था, उसके बाद कोई आया था, लोग खाने भी नहीं देते चैन से, कहाँ तो इतने पसंद से, मैं अपनी मर्ज़ी से छोले भटूरे मंगवाए थे कि आज छोले भटूरे खाऊंगी बैठ के, तो बस ये ना फिर कोई आ गया था तो उसके सामने खाया नहीं जाता, छोड़ दिया था बीच में, थोड़ी देर बाद खाया था उसके, उधर लेट भी हो रहा था। तो डेली नहीं खाते छोले भटूरे, डेली का मतलब हफ्ते में भी नहीं खाते, कई महीनों में मैंने छोले भटूरे आज मंगवाए थे, आज मन कर रहा था खाने का, कभी कभी खा लेना चाहिए, फिर लगता है यार खाने के बाद में वेट बढ़ जाएगा, पहले तो हम लोग खा लेते हैं और खाने के बाद लगता है, खाते खाते नहीं फील होता है कि यार वेट बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कोई आ गया था, तो बस मैं वही देखने जा रही थी कि गेट पे कौन आ गया था, तो यहाँ पे मैं अपना खाना ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, बाहर गेट पे कोई था। तो गाइस यहाँ पे हम स्कूल से आ गए थे, मैं अर्जुन को स्कूल लेने गई थी और इसको इतनी तेज प्यास लग रही थी, प्याज बोलिए इसको कोल्ड ड्रिंक का बहाना बोलिए, इसे कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने इसको यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए दिया था, मैम ने स्पेशली बोला था कि यूनिफॉर्म चेंज कर लेना, और इसने यूनिफॉर्म चेंज नहीं की, क्लास में सभी बच्चों ने यूनिफॉर्म चेंज कर ली थी, बस इसी ने यूनिफॉर्म चेंज नहीं करी थी। तो बस हम घर जा रहे थे और ये अपनी क्लास की कुछ बातें मुझे बता रहा था, तो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक बोला था मामा कोक दिला दो, मेरे का नहीं कोक से बेटर तो फैंटा ही है, चलो फैंटा ही पी लो। इतनी तेज गर्मी हो रही थी बाहर, पूरा फेस भी काला हो गया था, धूप में ऐसा लग रहा था कि पूरे काले हो गए, इतनी तेज गर्मी थी, इतनी तेज गर्मी थी। मैं तो उन लोगों को सोच रही हूँ जो धूप में काम करते हैं, वो कितने हार्ड वर्क की, वो कितना पेशेंस होता है, हम लोगों से तो जरा सा गर्मी में रुका भी नहीं जाता, 2-20 मिनट के लिए जाते हैं, रात में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो बस ये स्कूल से बातें बनाते बनाते मेरे साथ आ रहा था, अपने स्कूल की सारी बातें बता रहा था, मम्मा किसने क्या परफॉर्म किया, किसने कैसे किया, क्या क्या एक्टिविटी की हमने सोशल स्टडी डेज पे। तो बस यही सारी बातें करते करते हम दोनों आ रहे थे, तो बोला था मम्मा आज मैंने बहुत अच्छा सुनाया था, मुझे कुछ अच्छा सा दिला देना, मैंने कहा ठीक है देखेंगे शाम को जो भी होगा, अभी फिलहाल घर चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतनी थकान हो जाती है स्कूल से आते आते, तो बिल्कुल दर्द हो जाता है शोल्डर में, ऊपर से इसका बैग टांग के तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस
क्या प्रॉब्लम है? माँ बेटू की बातें हो रही थी, हम दोनों बातें करते 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 इस धूप के सफर को तय कर रहे थे। इतनी तेज धूप थी, देखिए इतनी तेज धूप थी, बता नहीं सकती 2:30 बजे की। तो बस यहाँ पे बस आने के बाद तो ऐसा मन करता है कि जल्दी से घर पहुँच जाओ। तो यहाँ हम लिफ्ट प्रेस कर रहे थे कि जल्दी से लिफ्ट आ जाए और घर जाके बैठे फ्रेश हो जाए। ऊपर से मुझे तो उसको देख के लग रहा था इन कपड़ों में कितनी गर्मी लग रही होगी। स्कूल में, स्कूल में तो नहीं लगी होगी क्योंकि स्कूल में एसी है, लेकिन यहाँ रास्ते में तो लगी रही होगी। तो पता नहीं क्या शौक था, उसने निकाले ही नहीं थे कपड़े, सब बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस के बाद चेंज कर लिए थे। ऊपर से ना जब जल्दी होती तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अर्जुन महाल, आई स्टडी इन ग्रेड 3 अरावली। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग सोशल स्टडीज डे एंड आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। He was popularly known as Netaji. He was born on 23rd January 1897 at Cuttack in Odisha. His father's name was Jankinath Bose and his mother's name was Prabhavati Devi. He formed the Azad Hind Fauj and the Indian National Army in 1942. He gave a very famous speech. Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind. Thank you. तो गाइस ये तो यहाँ पे अर्जुन ने जो उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस हुई थी वो उसने सुनाई थी मुझे आके कि मामा मैंने ऐसे ऐसे सुनाई थी, बाकी मैम की भी वीडियो आ गई थी। तो गाइस बस इस ब्लॉग में इतना ही, इसको चेंज वेंज कराऊंगी, खाना खाए गए, फिर चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में।